आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वर्कबुक पेटल्स क्लास फिफ्थ अंग्रेजी कार पुस्तिका कक्षा 5। इसमें आज हम लोग देखेंगे लेसन 5 रन। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नेम ऑफ सम गेम्स आर गिवन बिलो। इसमें कुछ खेल के नाम दिए गए हैं। बिलो मीन होता है नीचे, यानी नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। रीअरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसे हमें रीअरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी क्रम से लगाना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी ए टू जेड के क्रम में हमें इसको लिखना है। तो जैसे हम देखते हैं क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, लूडो, हॉकी। तो इसमें ए बी, सबसे पहले बी आता है, ए के बाद बी आता है, तो ए से कोई वर्ड इसमें नहीं है तो बी आता है तो बी लिख लेंगे। बैडमिंटन, बी के बाद आता है सी तो ये हो जाएगा क्रिकेट, सी के बाद आता है डी, डी से कोई नहीं है, इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम एफ लेते हैं फुटबॉल। और नंबर 4 क्रम में आता है हॉकी, इसके बाद आएगा लूडो और इसके बाद आएगा टेनिस, टी ई डबल एन आई एस टेनिस। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट क्या है, यानी आपका फेवरेट खेल क्या है। तो माय फेवरेट स्पोर्ट इज़ क्रिकेट, मेरा फेवरेट खेल क्या है, क्रिकेट है। विच विद हुम डू यू प्ले दिस स्पोर्ट, तुम इस खेल को किसके साथ खेलते हो, विद हुम किसके साथ। तो विद माई ब्रदर आई प्ले दिस स्पोर्ट, मैं यह खेल अपने भाई के साथ खेलता हूँ। और हाउ ऑफन डू यू प्ले, तुम इसे प्रायः कब खेलते हो, कैसे खेलते हो, तो कब खेलते हो, तो आफ्टर माई स्कूल, यानी स्कूल के बाद आई प्ले दिस, मैं इसे खेलता हूँ। अब है हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है, सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा है। तो सचिन तेंदुलकर इज़ माई फेवरेट प्लेयर, मतलब सचिन तेंदुलकर हमारा फेवरेट खिलाड़ी है। आगे आता है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द प्लेयर्स गिवन बिलो, नीचे कुछ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों के चित्र दिए गए हैं। एंड राइट विच स्पोर्ट्स डू दे प्ले, इसमें हमें लिखना है कि वो कौन सा खेल खेलती हैं। तो पहले चित्र में हम देखते हैं कि ये टेनिस खिलाड़ी हैं, दूसरे में ये हॉकी खिलाड़ी हैं, और तीसरे में ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और चौथे में ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब आगे दिया है इनसर्कल द वर्ल्ड दैट गो विद द पिक्चर्स अगेंस्ट देम, हमें इनसर्कल करना है पिक्चर्स में, राइट करेक्ट वर्ड इन द गिवन प्लेस, इसमें हमें सर्किल करना है। चित्र दिया गया है, चित्र के अकॉर्डिंग जो भी वर्ड हमारा सही है करेक्ट है उसमें हमें इंसर्कल करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सन है, तो सन का जो स्पेलिंग होता है एस यू एन होता है, एस यू एन सन मीन सूरज होता है, एस ओ एन सन मीन बेटा होता है, तो ये हमारा सन सही है। और जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे हमको लिख देना है सन। इसके बाद नेक्स्ट आता है ए टी एट, एट मीन खाया हो जाएगा, ई आई जी एस टी एट, एट मीन होता है 8, तो यहाँ पे हम इसको इनसर्कल कर देंगे। इस 8 की जो अंग्रेजी होती है स्पेलिंग होती है वो ई आई जी एच टी होती है। इसके बाद आगे दिया गया है बी, बी डबल ई बी, बी मीन मधुमक्खी होता है, बी मीन होना होता है, तो मधुमक्खी, ये मधुमक्खी का चित्र दिया गया है तो हम लिखेंगे बी, बी डबल ई, बी मीन होता है मधुमक्खी। अब इसके बाद आगे आता है सी, एस ई ए सी मीन समुद्र होता है, और एच डबल ई सी मीन देखना होता है, तो यहाँ पे चित्र जो है समुद्र का दिखाया गया है, तो यहाँ पे हम ये सी में सर्कल कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एस ई ए सी। इसके बाद आगे आता है ये आई, आई मीन आँख होता है, और ई वाई ई आई मीन आँख होता है, आई मीन मैं होता है, तो यहाँ पे चित्र आई का दिखाया गया है, तो यहाँ पे हम करेक्ट वर्ड लिखेंगे ई वाई ई आई, आई मीन आँख। इसके बाद पी ई ए आर, पियर, पियर मीन नाशपति होता है, और पी ए आई आर, पियर, पियर मीन जोड़ा होता है, तो हम यहाँ पे नाशपति का चित्र दिखाया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पियर, पी ई ए आर, पियर, और यहाँ पे हम इन सर्कल कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे दिया गया है हेयर, हेयर मीन खरगोश होता है, और एच ए आई आर हेयर, हेयर मीन बाल होता है, तो यहाँ पे चित्र जो है हमारा दिखाया गया है खरगोश का, यहाँ पे हेयर मीन क्या होता है, खरगोश होता है, तो हम इसको इनसर्कल कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एच ए आर ई हेयर, हेयर मीन खरगोश।
आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. राइट द नेम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द क्रिकेट गेम फ्रॉम द गिवन बॉक्स. इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड दिए गए हैं. हमको इस पिक्चर में क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड को लिखना है जो एरो के द्वारा दिखाया गया है. तो हम इसमें पहले देखते हैं, नंबर 1 पे बॉल दिया गया है. तो यहाँ पे ये बॉल दिखाया गया है, हम बॉल को यहाँ पे एरो से हमें बॉक्स में लिखना है, एरो से दिखाया गया, तो यहाँ पे हम बॉल लिख देंगे. इसके बाद आता है स्टंप, हम यहाँ पे स्टंप लिख देंगे. फिर आता है ग्लव, ग्लव मीन दस्ताना होता है, यहाँ पे ग्लव लिख देंगे, ग्लव्स लिख देंगे. इसके बाद आता है पैड, पैड को दिखाया गया है, पी ए डी, ये पैड हो गया. इसके बाद आता है विकेट, डब्ल्यू आई सी के ई टी, विकेट, ये विकेट दिखाया गया है. और इसके बाद आता है हेलमेट, ये हेलमेट दिखाया गया है. और इसके बाद आता है बैट, इसको हम बैट लिख देंगे, बी ए टी, बैट. आगे आता है रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. हमें इन्हें सही क्रम में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है. इसमें दिया गया है फ्यू ऑब्लिक बर्ड्स, बर्ड ऑब्लिक अवे ऑब्लिक द लिटिल. तो इसको हम जब मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाएंगे तो लिखेंगे कि द लिटिल बर्ड्स फ्लू अवे, छोटी चिड़िया उड़ गई. अब है गो नॉट अवे डू, तो इसको हम लिखेंगे डू नॉट गो अवे. इसके बाद आता है फायर, स्टे फ्रॉम अवे, तो स्टे अवे फ्रॉम फायर. अब है आगे द ट्राई अवे पुट, द ट्राइज अवे पुट, फिर इसको हम लिखेंगे पुट द ट्राइज अवे. अब आगे है वेंट फॉर अवे द ट्रेन, तो यहाँ पे हो जाएगा द ट्रेन वेंट फॉर अवे. अब इसी के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स. हमें चित्र को देखना है, चित्र में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, उसको उसी के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चन के आंसर को देना है. तो यहाँ पे कैरम दिखाया गया, हॉकी है, साइकिलिंग है, टग ऑफ वॉर है, और यहाँ पे दिखाया गया है स्विमिंग है. ये टग ऑफ वॉर कैरम मीन तो कैरम होता है, हॉकी मीन हॉकी होता है, साइकिलिंग मीन साइकिल चलाना होता है, साइकिलिंग यानी साइकिल चलाने का काम करना. और टग ऑफ वॉर ये होता है रस्साकसी का खेल, मतलब दो बच्चे आपस में रस्सी एक दूसरे की अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो रस्साकसी का खेल हो जाता है. और ये स्विमिंग, स्विमिंग मीन होता है तैर रहे हैं, तैरना. अब यहाँ पे पहले चित्र में दिखाया गया है व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 1. अब पिक्चर 1 में मोहन किस चीज़ की प्रैक्टिसिंग करना है, कर रहा है, तो ये स्विमिंग की प्रैक्टिसिंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्विमिंग. नेक्स्ट आता है बी में व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन द पिक्चर्स 4. चित्र 4 में बच्चा क्या कर रहा है, तो ये कैरम खेल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैरम. या हम लिख देते हैं कि द बॉयज आर प्लेइंग कैरम. अब आगे आता है कि क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन द पिक्चर्स. चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है, चित्र संख्या 2 में. अब चित्र संख्या 2 में लड़का क्या कर रहा है, ये हॉकी खेल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हॉकी. इसके बाद आता है डी व्हाट गेम दे प्लेइंग इन पिक्चर्स 5. पिक्चर चित्र उन्हें चित्र 5 में कौन सा खेल खेला जा रहा है, टग ऑफ वार यानी रस्सा कसी का खेल खेला जा रहा है. नेक्स्ट आता है व्हाट इज रोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर्स 3. पिक्चर 3 में यानी चित्र 3 में रोहन किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है, किस चीज़ का अभ्यास कर रहा है, साइकिलिंग का यानी साइकिल चलाने का अभ्यास कर रहा है. अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7. रीड द केयरफुली इन्फॉर्मेशन विच हैज़ बीन पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ स्कूल. इस जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसे हमें ध्यान से पढ़ना है, जो कि नोटिस बोर्ड में, ये स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगाई गई है. तो प्राइमरी नोटिस बोर्ड में क्या लिखा गया है, प्राइमरी स्कूल अमोरा और प्रयागराज, ये मतलब स्कूल का नाम दिया गया है. फिर नोटिस है सूचना, और आगे ये डेट दी गई है 15 अप्रैल 2022 यानी 15 अप्रैल 2022 की सूचना है. और साइंस एग्जिबिशन यानी विज्ञान प्रदर्शनी की सूचना दी गई है. ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जिबिशन ऑन 27 अप्रैल, मतलब एंड 28 अप्रैल 2022, यानी 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को साइंस एग्जिबिशन यानी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो उसमें इंटरेस्टेड हों,
जो जिसमें रुचि लेते हों मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 20 अप्रैल 2022, यानी वो अपना नाम जो है 20 अप्रैल 2022 तक दे दें। ये रजनी मुद्रा हेडमास्टर हैं वहाँ की, हेड मैटर दिया गया है। अब आगे हमको एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट योर ओन एनुअल स्पोर्ट डे नोटिस इन द गिवन स्पेस। अब इसमें हमें नोटिस बोर्ड में एनुअल स्पोर्ट डे की नोटिस देनी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पीएस रुदौली अयोध्या नोटिस हमने दिया, यहाँ पे हम डेट डाल देंगे जिस डेट को हमको नोटिस मतलब उसका आयोजन करना है, और यहाँ पे साइंस एग्जिबिशन नोटिस, क्योंकि हमें साइंस एग्जिबिशन एनुअल स्पोर्ट डे देना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एनुअल स्पोर्ट डे। यहाँ पे हम जो है एनुअल स्पोर्ट डे की नोटिस दे रहे हैं तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे एनुअल स्पोर्ट डे। इसके बाद हम नोटिस में लिखेंगे, ऑल द टीचर्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ एनुअल स्पोर्ट डे ऑन, डेट डाल देंगे जिस डेट को हमें ऑर्गेनाइज करना रहेगा। फिर आगे है, दोज हु आर इंटरेस्टेड मे गिव देयर स्टूडेंट्स नेम्स टू द अंडरसाइन लेटेस्ट लास्टेड बाय, डेट डाल देंगे कि यानी किस डेट तक हमें उसका नाम दे देना है, तो इस तरह से हम इसकी सूचना निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको डेट देना है जिस डेट को हम नोटिस बोर्ड लिखेंगे, नोटिस बोर्ड पर सूचना देंगे, और यहाँ पे जिस दिन हम एनुअल स्पोर्ट डे का आयोजन करेंगे उसकी डेट इस यहाँ पे लिख देंगे, और जिस डेट तक हमें बच्चों का नाम लेना है वहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे कि मतलब कितनी तारीख तक हमें बच्चों के नाम लेने हैं। अब आगे यहाँ पे हम हेड टीचर का नाम दे देंगे, रजनी गौड़ ने दे दिया है, और ये जो है यहीं पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।